सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीप्ति दसानी, गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ दो का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है एक साथ भोजन, जिसे नीलिमा सिन्हा ने लिखा है। ये एक कहानी है, ये एक पारिवारिक कहानी है, जिसमें पांच सदस्य है। अधिकतर परिवार में रात्रि का समय आशा से पूर्ण होता है, आशा भरा होता है। परिवार के सभी लोग एक ही मेज पर बैठकर साथ भोजन करते हैं, दिन भर के सुख दुख का की चर्चा करते हैं, आने वाले दिन के बारे में निर्णय सुझाव करते हैं, आपसी बातचीत करते हैं। साथ ही उसी मेज पर मस्ती मजाक भी चलता है। वहाँ बच्चे शिक्षा की बातें भी सीखते हैं, शिष्टता सीखते हैं, व्यवहार कुशलता भी सीखते हैं। तो ये एक कहानी है जिसमें जो पेज क्रमांक 15 से 19 तक की है, जिसे आपको पढ़ना है। मैं कहानी को का सारांश आपको समझाऊंगी। पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिसे सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इस प्रकार से: पसंदीदा, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद हो। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध। व्यंजन, व्यंजन का मतलब पकवान। निगलना, निगलना मतलब बिना चबाए उसे गुटक जाना। उत्सुकता, उत्साह से भरा हुआ। स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर। प्रयास, कोशिश। कसर, कमी। मायूस, मायूस का मतलब निराश। अंतिम है बेहतरीन, सबसे अलग। अब हम कहानी प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कहानी में पांच सदस्य हैं: पिताजी, माता और उनकी ये बड़ी बेटी है जिसका नाम है मीशा, ये बीच वाला बेटा जिसका नाम है जय, और ये सबसे छोटा बेटा अंशी, जो सबसे नादान है। तो एक रात की समय की बात है कि माँ रसोई में भोजन बना रही थी, पिताजी उनकी मदद कर रहे थे, और जो उनका बेटा है जय, वो भी टेबल में सामान लगाने में उनकी मदद कर रहा था। तभी माँ ने मीशा को आवाज़ लगाई कि बेटा आ जाओ, खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा तो उसका स्वाद नहीं आएगा। मगर मीशा को सुनना था, मीशा टीवी देखने में बहुत मग्न थी, उसे टीवी में बहुत आनंद आ रहा था। उसने कहा, जी माँ मैं अभी आती हूँ, मगर वह नहीं गई। जैसे आप लोग भी करते हो, जब टीवी देखते हो, कार्टून देखते हो, तो उसमें बिल्कुल मस्त हो जाते हो, किसी की नहीं सुनना। मगर उसे ये भी मालूम था कि अगर हम खाने को गर्म ना खाएंगे, ठंडा खाएंगे, तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। जो खाने को गर्म गर्म खाने में स्वाद आता है, वो ठंडे में नहीं आता। माँ ने देखा कि मीशा अभी तक मेज पर नहीं आई, फिर माँ ने आवाज़ लगाई, मीशा आपको मालूम है ना कि रात में हम सब साथ में भोजन करते हैं, तो जल्दी से आ जाओ। तभी मीशा ने क्या किया, जल्दी से स्विच बंद किया टीवी का और टेबल पे आ पहुंची। जब उसने टेबल पे बहुत सारे पकवान देखे, व्यंजन देखे, तो वो बोली, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है माँ, रात्रि का समय और आपके हाथ का बना भोजन मुझे बहुत पसंद है। साथ ही मुझे इस समय जय भी परेशान नहीं करता। होता है ना, छोटे छोटे भाई बहन होता है तो हमसे क्या होता है, लड़ने लगते हैं, तो वो माता पिता के सामने भाई बहन आपस में लड़ाई भी नहीं करते थे। उसने कहा ठीक है। इतने में जय आया। जय ने कहा, क्यों, मैं तुमसे कब लड़ता हूँ, मैं तो तुमसे नहीं लड़ता। तभी जो छोटा लड़का अंशी था, वो बीच में बोल पड़ा कि मैं तो हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहता हूँ। फिर क्या हुआ, जय ने सारे व्यंजन खोले और बोला, माँ ये सारे व्यंजन आपने बनाए हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, आज पापा ने भी मेरी मदद की है। तुम्हारे पिताजी ने आज क्या बनाई है, करेले की सब्जी बनाई है, लो इसे चक्कर देखो, बताओ इसका स्वाद कैसा है। जैसे अपने यहाँ जब कुछ स्वादिष्ट बनता है तो मम्मी बोलती है ना, बताना इसका टेस्ट कैसा है, या अपनी बड़ी दीदी होती है तो वो खाना बनाती है तो वो भी पूछती है। तो फिर माँ ने जैसे ही जय की प्लेट में करेले डाला, तो जय मुँह से कोड़ने लगा, मतलब उसे करेला नहीं पसंद था। मगर उसे मालूम था कि माँ मुझे डांटेगी, क्योंकि उनके परिवार का ये नियम था कि सबको सब कुछ खाना है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में खाओ चाहे अधिक मात्रा में खाओ। हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें सब चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। स्पेशली सब्जियाँ, करेला, तुरई, ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। जैसे ही उसकी प्लेट में करेला डाला, उसने बिना चबाए उसे निगल लिया, क्योंकि उसे करेला नहीं पसंद था। फिर उसने पूछा, पिताजी आप मुझे ये बताइए कि आपने करेला कैसे बनाया। पिताजी ने उसको पूरी विधि बताई कि सबसे पहले हमने करेले को लिया, धो लिया, साफ करके उसको काट लिया, फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, हल्दी मिर्च, नमक और सौंफ डाल के इसको धीमी आँच में पका लिया।
तेल की मात्रा कम रखना, अधिक तेल शरीर के लिए हानिकारक होता है, हमें भी अधिक तेल नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली फूड खाने से हमारी बॉडी को नुकसान होता है। फिर पिताजी ने कहा, और इसको धीमी आंच में एक निश्चित समय तक पकाना चाहिए, क्योंकि हम भोजन को अगर अधिक पकाएंगे तो उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाएगी। करेला खाने के बाद जय ने कहा, माँ अब मुझे पनीर की सब्जी खानी। जैसे ही पनीर की सब्जी मिली तो जय बहुत खुश हो गया, मुझे भी पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, शायद आप लोगों को भी पसंद हो। तो जय पनीर की सब्जी उंगलियां चाट चाट कर खाने लगा और बोला, माँ वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। तभी मीशा वहाँ बैठी थी, माँ ने मीशा से पूछा, बेटा आपको भी कुछ चाहिए? मीशा ने बड़े ही प्यार से कहा, प्लीज़ पापा मुझे चावल दे दीजिए। ये एक हमारी तहजीब होती है, हमें प्लीज़ धन्यवाद कृपया इनका प्रयोग करना चाहिए। पिताजी ने उसे चावल दिए। तभी जय ने चावल देखकर कहा, माँ चावल आपने ही बनाए, चावल का एक एक कण बहुत अलग है, कैसे बनाए? माँ ने उसे बताया कि जब मैंने चावल बनाए तो उसमें पानी की मात्रा बराबर थी। हम जो भी भोजन बनाए उसमें मसाले एवं पानी बराबर मात्रा में होना चाहिए, जिससे वो हमारे पौष्टिक बनते, उसकी पौष्टिकता समाप्त नहीं होती। इतने में जो छोटा नटखट अंशी था वो बोलने लगा कि माँ 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 मुझे भी दाल चाहिए। वो दाल का ढोंगा जैसे अपने आके छोटे बच्चे शैतानी करते हैं ना कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो दाल का ढोंगा अपने साइड खींचने लगा, तो दाल क्या की छलक के फर्श पे गिर गई। तो जो उसका भाई था जय उसे चिल्लाने लगा, तुमने ये क्या कर दिया, दाल गिरा दी। बट जो मीशा थी वो समझदार थी, उसने उठा पेपर नैपकिन से क्या की सबसे पहले दाल पोंछ दी ताकि किसी के पैर में ना लगे। हमें भी ऐसा करना चाहिए, अगर हमारे से कुछ गलती से गिर जाता है तो हमें पहले डांटने की जगह हमें उसे साफ कर लेना चाहिए ताकि वह और ना फैले। उसे चिल्लाया कि तुमने दाल गिरा दी। तो फिर पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा शायद तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था कि प्लीज़ मुझे दाल दे दीजिए, अगर मैं तुम्हें आराम से देता तो दाल नहीं झलकती। फिर आगे क्या हुआ, फिर नटखट अंशी चालू हो गया, अपनी रोटी का टुकड़ा लिया और दिखाने लगा, माँ देखो मैंने इसका डायनासोर बनाया है। जैसे अपने बच्चे करते ना कि मैंने रोटी का प्लेन बनाया है, रोटी की गाड़ी बनाई है, ऐसे ही अंशी क्या करने लगा, माँ मैंने देखो रोटी का डायनासोर बनाया। और जैसे ही उसने मुँह में डाला और टेबल पर चम्मच से पटक दिया, बच्चे करते ना टेबल पर टन 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 टन, जैसे आप लोग हो स्कूल की टेबल पर भी क्या बॉटल से टन 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 करते, जब टीचर पढ़ाती तो कंपॉक से ठक ठक करके परेशान करते, जब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसने रोटी का टुकड़ा खाया तो रोटी का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। माँ चिल्लाने लगी मगर वह बेचारा कुछ जवाब नहीं दे पाया। जय ने देखा कि ये क्या, इसके रोटी का टुकड़ा इसके गले में अटक गया, क्योंकि वो खाते खाते बात। फिर जय ने उसे डांटा कि तुम्हें मना किया था ना कि खाते खाते बातें मत करो। पिताजी आए, जल्दी से उसके पीठ में थपथपाने लगे, उसे पानी का ग्लास दिया। और जब भी हमारा कभी भोजन अटक जाता है, खाना अटक जाता है, कुछ भी अटक जाता है, तो सबसे पहले हमें पीठ को थपथपाना चाहिए जिससे हमारा खाना नीचे हो जाएगा। फिर पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हें खाने के समय बात नहीं करनी चाहिए। हमें हमारे मम्मी पापा भी संस्कार देते ना कि खाते समय बात मत करो और क्या किसी को परेशान मत करो, खाना हमें एकाग्रचित होकर खाना चाहिए। उसने कहा, जी पापा अगली बार से ऐसी मैं गलती नहीं करूँगा। तभी क्या हुआ, फ़ोन बजने लगा और मीशा खुश हो गई। मीशा को लगा उसकी सहेली का फ़ोन आ गया, क्योंकि लड़कियां सबसे ज़्यादा खुश होती है जब उनकी सहेली का फ़ोन आता है ना। तो मीशा की सहेली का फ़ोन आ गया, वो खुशी खुशी से फ़ोन लेने, तभी उसने देखा कि माँ ओवन से केक लेके आ रही थी, केक के चार टुकड़े थे। पिताजी ने उसे सुझाव दिया कि पहले तुम फ़ोन पर बात मत करो, केक खा लो। बट मीशा को तो सुनना ही नहीं था, फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो फ़ोन पर लग गई। और तब तक क्या हुआ, तीन टुकड़े थे जो जय और अंशी ने मिलकर ख़त्म कर दिए। तो भी माँ थी, माँ कभी भी बच्चों के साथ गलत नहीं करती, उसके लिए सब बराबर होते। माँ ने एक टुकड़ा मीशा के लिए रख लिया। जैसे ही मीशा फ़ोन से बात करके फ्री हुई तो माँ ने उसे केक दिया। तो केक को चखते ही मीशा ने कहा, माँ केक तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे आपके हाथ का सबसे पसंदीदा व्यंजन केक ही लगता है, क्या मुझे और मिल सकता है? माँ ने कहा, नहीं केक तो ख़त्म हो गया। तभी ये दोनों भाई अपनी बहन को क्या चढ़ाने लगे, और जाओ तुम तो और फोनों पे बात करो, खा चुका तुमने केक। तो मीशा निराश हो गई, उसने कहा कि हाँ मेरी गलती, मुझे भोजन के बीच से नहीं उठना चाहिए। फिर माँ ने उसे दिलासा देने के लिए कहा, अगली बार जब भी मैं केक बनाऊंगी तो मैं सबसे बड़ा टुकड़ा तुम्हें दूंगी। जैसे अपनी मम्मी पापा भी करते हैं ना कि जब बच्चों आपस में लड़ाई होने लगती है तो नहीं उसको ये मोबाइल दे दो मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगी, इसको खिलौना दे दो मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगा, ऐसे ही मीशा की माँ ने उसको दिलासा दिया। तब मीशा के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आई और उसने कहा, हाँ माँ मेरी गलती, अगली बार से मैं भोजन के बीच से नहीं उठूंगी। कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा खाने के समय बीच में बात नहीं करनी चाहिए, हमें हमें
हमेशा व्यवहार कुशलता दिखानी चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। साथ ही जब हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन को बीच में से छोड़कर नहीं खिलाना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होता है। होता है ना, जैसे मीशा का हुआ था, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैगी बने या चाउमीन, हमको सब बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए और हमें हमेशा एक साथ भोजन करना चाहिए। जैसे माँ, इसकी माँ बार बार इसको बुला रही थी, मीशा आ जाओ मीशा आ जाओ, हमें ऐसे अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहिए। जो हमारा समय निश्चित है, हमें उस समय टेबल पे आना चाहिए और मिलकर एक साथ भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये परिवार के साथ जो समय होता है ये बहुत ही अच्छा समय होता है और यही हमारी यादें बन जाती हैं। हमारी और वीडियो के लिए पसंद करें, साझा करें एवं सदस्यता लें। धन्यवाद।